हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो है कि जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं और कैसे लास्ट के वर्ड से आप पहचान सकते हैं कौन सी दवा किस काम आती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राजोल की। आप दोस्तों, अगर कोई मेडिसिन है उसके अंत में प्राजोल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यह दवा जो है एसिडिटी की दवा है, गैस की दवा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंटोप्राजोल। आप मैं यहाँ पर कुछ फेमस ब्रांड का नाम लिख दिया हूँ, पेंटाप 40 है, इसमें पेंटोप्राजोल है, देख सकते हैं 40 mg है। नीचे देख सकते हैं रेबप्राजोल 20 mg, और ये दे सकते हैं ओमेप्राजोल। ये तीनों गैस की दवाइयाँ होती हैं, इनके साथ और भी साल्ट कंपोजिशन होते हैं, लेकिन जिसमें भी प्राजोल आ रहा है, पेंटोप्राजोल या रेबप्राजोल या फिर जो है ओमेप्राजोल, तो आप समझ जाइए कि यह जो है एसिडिटी दवा है, यह गैस की दवा है। इसमें आपको ब्रांड नेम नहीं देखना है, बस साल्ट कंपोजिशन देखना है। साल्ट कंपोजिशन में प्राजोल आता है तो एसिडिटी की दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगली मेडिसिन जो है माइन, इसमें इसके अंत में अगर माइन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यह दवा है एंटी हिस्टामाइन या फिर जो है एंटी एलर्जिक की दवा है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे मैंने एबिल को ले लिया है तो एबिल में आप देखेंगे फेनिरामाइन, यहाँ पे ऊपर इसमें साल्ट कंपोजिशन क्या है, फेनिरामाइन। या आप एक और देख सकते हैं जो साल्विन कोल्ड है, ये मैंने एक ब्रांड का नाम लिख दिया है यहाँ पर, ब्रांड लिया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, इसमें और भी सारे साल्ट कंपोजिशन है, लेकिन इसमें जो है पैरासिटामॉल फेनाइल फेरिन के साथ क्लोरफेनिरामाइन है। तो आप इससे समझ जाइए कि साल्ट कंपोजिशन चाहे जिसने, अगर क्लोरफेनिरामाइन आ गया, इसमें माइन आ गया है सब, तो समझ लीजिए कि एंटी एलर्जी गवा है। और इसमें आप देख सकते हैं एक सिरप भी मैंने डेस्टोमेथॉर्फन फेनाइलफेनाइल क्लोरफेनिरामाइन, इसमें भी आ गया माइन, कहीं भी आ गया तो आप समझिए कि एंटी एलर्जिक दवा है। अगले वर्ड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनैक या प्रोफेन। जिस भी मेडिसिन के अंत में फिनैक आ रहा है, जैसे एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक आ रहा है, या प्रोफेन मतलब आइबोप्रोफेन, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यह दवा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है, या दवा सूजन और दर्द में काम करने वाली दवा है। इसके साल्ट कंपोजिशन कोई भी आ सकता है, एसिक्लो पैरासिलासियो पेप्टिड या डाइक्लो के साथ पैरासिटामॉल आ सकता है, लेकिन इसमें जो डाइक्लोफिनैक है, एसिक्लोफिनैक है, फिनैक है, तो समझ लीजिए कि यह दवा जो है सूजन और जो है दर्द की दवा है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल सिंगल साल्ट कंपोजिशन में ही हो, एसिक्लोफिनैक हो या डाइक्लोफिनैक हो, आइबोप्रोफेन फिनैक को, इसके साथ और भी साल्ट जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगले मेडिसिन की बात कर लेते हैं, अगले वर्ड की बात कर लेते हैं। तो एजोल, अगर किसी मेडिसिन के साल्ट कंपोजिशन में एजोल आता है लास्ट में, तो समझ लीजिए कि वह दवा जो है एंटी फंगल है, यानी फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्लूकोनाजोल, आप देख सकते हैं जोल है लास्ट में, यहाँ पर इट्राकोनाजोल, यहाँ लास्ट में यहाँ पर भी जोल है, एजोल है, इसमें भी एजोल है, और यहाँ पर देख सकते हैं माइकोजेल, इसमें भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माइकोजोल है, तो माइकोनाजोल है। आप इससे आप समझ सकते हैं कि जिसमें भी लास्ट में एजोल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यह दवा जो है एंटी फंगल या फिर जो है फंगस इन्फेक्शन के लिए ही है। इसके साथ और भी साल्ट कंपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन यह श्योर है कि यह फंगस और एंटी फंगल में काम करेगा ही करेगा, एंटी फंगल और फंगस इन्फेक्शन में काम करेगा ही करेगा। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन आपको स्वयं से यूज नहीं करना है, और दोस्तों यह वीडियो मैं आपके एक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।